चले सर आगे बढ़ते हैं। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर टू, ऑटम 23 के अटेम्प्ट का जो ये क्वेश्चन नंबर टू है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड से पूछा गया है और एक अच्छा सवाल है। मतलब डेटा इसके अंदर बहुत कंफ्यूजिंग सा डेटा दिया हुआ है, बहुत सारी डेट्स की रेलेवेंस है और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि बड़ी छुपा कर दी गई है। तो रीड करते हैं, पहले मैं रिक्वायरमेंट रीड करता हूँ। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट, यानी कि यहाँ भी हमें कैलकुलेशन करनी है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ काशिफ अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2023। हमें हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे वर्कआउट नहीं करनी। टैक्स ईयर कौन सा है सर? टैक्स ईयर है 2023, यानी कि 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 2023। अब क्या कहता है? कहता है काशिफ इज अ रेजिडेंट फाइलर हु ओन अ सिंगल स्टोरी बैंगलो इन कराची इंक्लूडिंग बेसमेंट। ही सोलली यूजेज द बेसमेंट ऑफ द बैंगलो विच कंस्टिट्यूट 20% ऑफ द टोटल बैंगलो एरिया फॉर स्टोरिंग हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स। कह रहा है हमारे पास एक टैक्स पेयर, एक इंडिविजुअल है काशिफ के नाम से, जो कि रेजिडेंट फाइलर है और इसके पास कराची में एक सिंगल स्टोरी बैंगलो है और इस बैंगलो में एक बेसमेंट भी है। बैंगलो का जो बेसमेंट एरिया है, जो कि टोटल बैंगलो का 20% है, वो अपने पर्सनल यूज में अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2019, ऑन 1 अक्टूबर 2019, यानी कि टैक्स ईयर 2020 की बात कर रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 ही रेंटेड इज बैंगलो एक्सक्लूडिंग द बेसमेंट पोर्शन टू अहमद अंडर अ 3 ईयर रेंटल एग्रीमेंट। अदर डिटेल्स ऑफ द रेंटल एग्रीमेंट आर एज बिलो। अब देखो टोटल बैंगलो में से 20% बेसमेंट है, 80% बैंगलो है, तो ये एक्सक्लूडिंग बेसमेंट रेंट पे दे रहा है, यानी कि इसने टोटल बैंगलो रेंट भी नहीं दिया, बैंगलो का 80% पोर्शन रेंट पे दिया। मंथली रेंट है 3 लाख, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3.5 मिलियन और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है 40,000। इन एडिशन टू द अबव काशिफ ऑल्सो प्रोवाइडेड अहमद विद अ बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग एट अ फिक्स मंथली चार्ज ऑफ 50,000। देखो एक तो इससे बैंगलोर के 3 लाख चार्ज किए जा रहे हैं, एक नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, जब भी नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो आप अंडरलाइंग प्रॉपर्टी देखोगे वो बिल्डिंग है, बैंगलोर है, और मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाते हैं। कह रहा है इसके अलावा हमने इसे एक बैकअप पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर लगाकर दिया है जिसके अगेंस्ट हम 50,000 मंथली चार्ज कर रहे हैं, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट, द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैंगलोर, यानी कि जो जनरेटर लगा के दिया है ये सिर्फ टेनेंट अहमद को लगा के दिया है, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। ऑन 30 सितंबर 2022, ऑन 30 सितंबर 2022, देखो 1 अक्टूबर पे ये रेंट स्टार्ट हुआ है और ये 3 ईयर्स का एग्रीमेंट है, तो 1 अक्टूबर 19 से लेकर 30 सितंबर 2020 1 साल, 30 सितंबर 2021 2 साल और 30 सितंबर 2022 3 साल पूरे हो गए। ऑन 30 सितंबर 2022 रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूडेड एंड काशिफ एग्रीड टू सेल द एंटायर बैंगलोर टू अहमद। द नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज रिटेन एज द डाउन पेमेंट फॉर द परचेज। देखो नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आम हालात में रेंट एग्रीमेंट की टर्मिनेशन पे टेनेंट को वापस कर दिया जाता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। जब रेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ तो हमने इसको अपना बैंगलोर बेचने की बात की और बैंगलोर बेचने के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी, जो टोकन मनी हम लेते हैं, तो हमने वो टोकन मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को ही बना दिया। ऑन 25 अक्टूबर 2022, 25 दिन बाद अहमद बैकड आउट ऑफ द डील एंड डिक्लाइन टू परचेज द बैंगलोर। अहमद अपनी बात से मुकर गया और उसने अपना हमारा बैंगलोर खरीदने से मना कर दिया। एज पर द एग्रीमेंट काशिफ फॉरफिटेड द नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, हमने से फॉरफिट कर लिया, ये हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम बन गया। ऑन 1 नवंबर, फिर एक 5-6 दिन के बाद काशिफ रेंटेड द बैंगलोर टू अ न्यू टेनेंट राशिद अंडर द रेंटल एग्रीमेंट विद द सेम टर्म्स अबव। यानी इसके बाद 1 नवंबर पर हमने दोबारा इसे रेंट आउट किया, यही रेंट, यही डिपॉजिट, यही मंथली सिक्योरिटी चार्ज, यही जनरेटर के चार्जेस। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 360,000 टू सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द बैंगलोर एंड इनकर्ड 4.5 लाख फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सर ये जो हम इसे मंथली सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दे रहे हैं, ये जो हम उसे मंथली जनरेटर लगा के दे रहे हैं, इसके अगेंस्ट हमारा खर्चा कितना हुआ है? 360 और 4.5 लाख।
इन खर्चों को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्लेम कर लेंगे। यस सर। लेकिन क्या ये खर्चे पूरे क्लेम होंगे? नहीं, स्पेंड इतना ज्यादा था सर जनरेटर का खर्चा तो पूरा क्लेम होगा, क्योंकि इन्होंने कहीं पे बताया था कि जनरेटर का कनेक्शन घर से अलग है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये तो बेसमेंट की भी सिक्योरिटी के लिए है और बैंगलोर की सिक्योरिटी के लिए भी है। तो इस सिक्योरिटी गार्ड के चार्जेस का हमें सिर्फ 80% एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होगा। तो सॉल्व करते हैं या मैं करवाऊं? जरा खुद से ट्राई करें से सॉल्व करना। सर ये बोल ये बात है कि यहाँ पे डिप कर यहां देखिएगा सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं इसे। हमारे पास ऑटम 2023 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, मिस्टर काशिफ के नाम से, जो कि एक रेजिडेंट फाइलर रेजिडेंट पर्सन है, टैक्स ईयर 2023 है, और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम इस हेड में है। अब देखिए यहाँ जितना सारा डेटा दिया हुआ और जितनी ज्यादा डेट्स की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो बेहतर यह है कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए एक सिंपल सी टाइमलाइन बना लो। हम वर्किंग कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 के लिए। टैक्स ईयर 2023 का मतलब है कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023। अब इस पूरे टैक्स ईयर में क्या क्या काम हुआ है? एक टेनेंट 1 अक्टूबर 2019 पे आया था और 30 सितंबर 2022 पे चला गया। इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2022 पे जो हमारा ओल्ड टेनेंट था, ये चला गया। यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, इसकी जो भी इनकम वगैरह है वो 3 मंथ्स की है। फिर हमने इस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की 30 सितंबर पे ही, लेकिन 25 अक्टूबर पे वो बैक कर गया। और नए टेनेंट को हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी 1 नवंबर पे। तो 1 नवंबर 2022, अब यहां पे हमारे पास न्यू टेनेंट आया। अब न्यू टेनेंट 1 नवंबर 2022 पे आया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसकी जो भी इनकम है वो 8 महीनों की है। तो 12 महीनों में से हमारी जो प्रॉपर्टी एक्चुअली रेंट आउट रही है वो 11 महीनों के लिए रही है। ठीक हो गया। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में सबसे पहले मंथली रेंट 3 लाख, पुराने वाले के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, नए वाले के साथ भी वही टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो मंथली रेंट है वो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 11, सर कितना? सर दोनों टेनेंट का अलग अलग कर लें, कोई अर्थ नहीं है। आप 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 अलग लिखें, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 अलग लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया हमारे पास 3.3 मिलियन। फिर नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, अब समझो मेरी बात। 30 सितंबर 2019 पे पुराना वाला टेनेंट गया, तो जब पुराना वाला टेनेंट गया तो उसका तो रिकॉर्ड डिपॉजिट इसको वापस कर दिया। जब डिपॉजिट वापस कर दिया, तो जो डिपॉजिट वापस करते हैं उसको साल में टैक्स नहीं करवाते। नया टेनेंट आया, उसने भी नया डिपॉजिट दिया, तो नया टेनेंट का डिपॉजिट टैक्स होगा एज अ ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16। अब नए टेनेंट ने कितना डिपॉजिट दिया होगा? सर सेम अमाउंट दिया होगा, 3.5 मिलियन। सेम अमाउंट दिया होगा, 3.5 मिलियन। लेकिन इस 3.5 मिलियन को पूरा टैक्स नहीं करवाएंगे। पुराने वाले टेनेंट का जितना अमाउंट टैक्स हो चुका वो माइनस करेंगे। तो पुराने वाले टेनेंट का जब भी हमें अमाउंट मिला होगा, हमने से 3.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स टैक्स करवाया होगा। कितने साल टैक्स करवाया होगा? सर ये अमाउंट हमने रिसीव किया था 1 अक्टूबर 2019 में, यानी कि टैक्स ईयर 2020 में टैक्स करवाया होगा, टैक्स ईयर 2021 में टैक्स करवाया होगा, टैक्स ईयर 2022 में टैक्स करवाया होगा, और 2023 में तो इस अमाउंट वापस कर दिया। तो पुराना वाला अमाउंट हमारा 3 साल टैक्स हो चुका है। नए वाले अमाउंट में से पुराने वाले अमाउंट का वो हिस्सा माइनस करते हैं जो टैक्स हो चुका है, और जो भी डिफरेंशियल आएगा इसे 10 साल पे आप टैक्स करवाएंगे। 45,000 45। तो ये आ गया 2,45,000। अच्छा, फिर पुराना वाला टेनेंट जो गया था वो हमसे बेंगलो खरीदने की बात कर रहा था, तो उसने अपना डिपॉजिट ही हमारे बैंगलोर खरीदने के टोकन मनी बना दिया। लेकिन 25 दिन बाद बैंगलोर खरीदने से मुकर गया, उसका जो अमाउंट हमने फोरफीट किया, ये हमारी पूरी अमाउंट फोरफीटेड डिपॉजिट के नाम से भी टैक्स होगी, 3.5 मिलियन। क्या ये समझ आता है यहां तक? सर और कोई इनकम इनकम प्रॉपर्टी में?
सर मंथली सिक्योरिटी चार्जेस है ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिले जाएंगे। सर जनरेटर के चार्जेस है ऐसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिले जाएंगे। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का अमाउंट चार्जेबल आ गया। कितना? सर वो जो आपको रेंट दे रहा है तो वो तो रेंट उसी हिस्से का दे रहा है ना जो वो इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको बेसमेंट का रेंट थोड़ी दे रहा है। वो आपको जो पैसे दे रहा है वो तो उसी हिस्से के दे रहा होगा जो वो इस्तेमाल कर रहा है। तो और यहाँ पे जो लिखा हुआ भी है कि हमने बैंगलोर रेंट पे दिया एक्सक्लूडिंग बेसमेंट जिसके हम 3 लाख चार्ज कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी 80% बैंगलोर के रेंट है। ये कितना आ गया? 7,04,5,000। अब इनकम और प्रॉपर्टी के एड में हमें कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करने की इजाजत है, लेकिन एक्सपेंसेस दिए भी नहीं है। स्टिल अगर हमारी अंडरलाइंग प्रॉपर्टी बिल्डिंग है तो हम रिपेयर अलाउंस तो फिर भी क्लेम करेंगे। और रिपेयर अलाउंस कितना होगा? 1/5 ऑफ ग्रॉस रेंट, तो 1/5 ऑफ 7,04,5,000। सर ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में इनकम कैलकुलेट हो गया 5,63,600, 5,63,600। इसके बाद हमारे पास एक और हेड में इनकम है, दैट इज सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो सिक्योरिटी चार्जेस और दूसरा जनरेटर चार्जेस। सिक्योरिटी सिक्योरिटी चार्जेस कितना है सर? पुराने वाले टेनेंट से भी 40, नए वाले टेनेंट से भी 40, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 11। और जनरेटर के चार्जेस कितने हैं? 50,000। तो नए वाले टेनेंट से भी, पुराने वाले टेनेंट से भी, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 11, तो 4,40 और 5,50। फिर इन्होंने कहा कि हमने 3,60,000 रुपये की सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए। अब सिक्योरिटी गार्ड ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बैंगलोर बेसमेंट में चोर आए तो उसको ना पकड़े और बैंगलोर में चोर आए तो उसको पकड़े, तो ये तो पूरे बैंगलोर की सिक्योरिटी कर रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड के जो चार्जेस हैं सर कितना है? 360,000। इसका हम 80% क्लेम करेंगे। सर पूरे प्रॉपर्टी की रखवाली कर रहा है, उसमें से 20% तो हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंस तो एक्चुअली 80% हुआ। इसी तरह पर जनरेटर के बारे में कहा कि 4.5 लाख के जनरेटर का खर्चा हुआ, तो जनरेटर के खर्चे को भी 80% नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने सवाल में बताया है कि जनरेटर सिर्फ बैंगलोर में लगा हुआ है, बेसमेंट में नहीं लगा हुआ। कहाँ बताया था इन्होंने? अच्छा द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ द बेसमेंट इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बैंगलोर। तो जनरेटर इसको लगा के दिया, बेसमेंट में नहीं लगा हुआ, तो ये 4.5 लाख हम पूरा क्लेम करेंगे। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, तो फिर हम पूरा माइनस कर देते हैं 252। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करने के बाद बस हम टोटल इनकम बता देंगे इसे, 5,888। अच्छा 5,888,000। सर 1 मिनट, यहां तक हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। जिसने नहीं किया वो कॉपी कर ले इसे। जनरेटर जो है